डॉक्टर सारिका। सो होपफुली आज हमारा लास्ट सेशन है फॉर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस ऑफ बायो। ऐसा मत सोचना कि आज लास्ट सेशन है हमारा, सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं आपका पीछा छोड़ने वाली हूँ। डेफिनेटली नॉट, मैं आपका पीछा आपके एग्जाम तक नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये बात ध्यान रखना तुम लोग कि जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते ना, तब तक मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगी। और ठीक है, अभी चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे आगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, रिवीजन करना बाकी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और छोटे छोटे सरप्राइजेस हैं आपके लिए। यस, सरप्राइजेस हैं। तो आपको पता है कि अब मैं अभी तो बता नहीं सकती कि क्या है वो, तो सरप्राइज तो सरप्राइज है, वो तो आपको ऑन द स्पॉट ही पता चलेगा कि क्या है। तो अगर मेरे सरप्राइजेस को आपको लेना है या आप चाहते हो कि मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए जो भी बच्चा रह गया ना सब्सक्राइब करने से, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आगे इस सेशन के बाद जो भी नए सेशंस, नई वीडियोस या कोई भी सरप्राइजेस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, तो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप फिर से एक बार मुझसे मिल सको और मैं आपसे मिल सकूं। क्योंकि अब ना हमारे बीच में एक कनेक्शन हो गया है ना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर वीक में कुछ, बहुत पूरे वीक नहीं बट एटलीस्ट 2-3 डेज में आपसे मिलूं, आपसे बात करूं, आपकी विशेज लूं, आपको विशेज दूं। तो मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं आपसे मिलूं। तो एग्जाम, डोंट वरी, एग्जाम तक तो मैं नहीं जाने वाली हूँ आपसे कहीं पर भी, मैं आपसे वीक बेसिस पे जरूर मिलने वाली हूँ। ठीक है, तो आज जो हमारा लास्ट सेशन है हमारे सिलेबस का, उसमें कौन सा टॉपिक हमारा रह गया था? उसमें जो हमारा टॉपिक था वो था ओजोन लेयर एंड गार्बेज डिस्पोजल। ये दो टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर से रह चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये चैप्टर बहुत सिंपल, बहुत इजी है, क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आपके कितने मार्क्स स्कोर हो सकते हैं इस चैप्टर को लेकर। तो इजी है तो आप कर ही सकते हो, बट मैं कुछ एडिशनल चीजें लास्ट सेशन में भी, जो कल का सेशन हमारा था, उसमें भी मैंने आपको कुछ एडिशनल चीजें बताई थी। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर वो कल वाला सेशन छूट गया है, मिस हो गया है, तो आपको आई आइकन पर क्लिक करना है, वहां से आपको सेशन का लिंक मिल जाएगा और आप आराम से देख सकते हो। आज भी मैंने कुछ एक ऐसी चीजें इकट्ठी की है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता सकूं ओजोन लेयर के बारे में और गार्बेज डिस्पोजल के बारे में। तो आप अपने नोट्स में कहीं पर भी साइड में लिख लेना, उसको मार्क कर लेना, नोट करके लिख लेना, ताकि आपको ये पता हो कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपके फर्दर फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेगी। एग्जाम में आपको उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो कल हमने एक रिकैप ले फटाफट से, कल हमने क्या स्टडी किया था? कल हमने एनवायरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, एंड देन कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें दो कॉम्पोनेंट्स थे, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक में आपको पता है नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉटर, टेम्परेचर, सॉइल, लाइट, ये सब, ठीक है, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। बायोटिक कॉम्पोनेंट्स जो लिविंग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, और उसका फर्दर डिविजन होता है जो कि 4 कैटेगरीज है। पहली बताओ जल्दी से, नहीं, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स की 3 कैटेगरीज है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। देखो एक्साइटमेंट में मैं ही भूल गई कि मैंने 4 बताई या 3 बताई। अब फर्दर कंज्यूमर के डिविजन है, जो कि 4 डिविजन है ना, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स, राइट। फिर हमने पढ़ा फूड चेन के बारे में और फिर हमने पढ़ा फूड वेब के बारे में। फूड चेन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। क्वेश्चन हर ईयर, जितने भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, हर ईयर में ये क्वेश्चन है। अब वो कैसे करके है, गिव रीजन में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी करके है, और किसी भी सेक्शन में आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 5 मार्क्स में ही मिलेगा या 3 मार्क्स में, किसी भी सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, कल जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, राइट। फिर हमने फूड वेब डिस्कस किया, ठीक है। तो अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रह गए इस चैप्टर के, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन फर्स्ट, एंड देन सेकंड इज गार्बेज डिस्पोजल।
सो लेट्स स्टार्ट विद द ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। तो सबसे पहले बच्चों, ओजोन लेयर क्या, कहाँ होती है, क्या होती है, आपको याद है कल के सेशन में हमने जब स्टार्टिंग में इंट्रो डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था, राइट? तो एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं। पहली थर्मोस्फेयर, नहीं पहली कौन सी? आज मुझे लगता है मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों, तो मैं खुद ही गलतियां किए जा रही हूँ, तो मैं मेरे बच्चों को कैसे बोलूंगी, है ना? ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, देन मीजोस्फेयर, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, देन थर्मोस्फेयर। ये 4 लेयर बताई थी थर्मोस्फेयर। नाउ जो ओजोन लेयर है इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, अपर लेयर में प्रेजेंट होती है, जो ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है, सेकेंड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। क्लियर? पहला पॉइंट ये। अब जब हम ओजोन लेयर की बात करते हैं तो बेटा दो तरीके की ओजोन बनती है, एक स्ट्रेटोस्फेयर में और एक ट्रोपोस्फेयर में भी बनती है ओजोन। अब आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बता रही हूं। देखो, जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, बहुत ध्यान से समझना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। दो ओजोन होती है, एक होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, एक होती है ट्रोपोस्फेयर में। जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है बच्चों, उसको बोलते हैं गुड ओजोन। क्या बोलते हैं? गुड ओजोन, ठीक है? क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगी। और जो दूसरी होती है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में भी होती है, जिसको बोलते हैं बैड ओजोन, ठीक है? अब क्यों बोलते हैं? पहली चीज, जब हम गुड ओजोन की बात करते हैं, मतलब जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, इट एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ व्हिच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस, ठीक है? ये हमारा जो ओजोन लेयर होती है, ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, ठीक है? क्या है? प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, जो कि हमें, ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से जो सनलाइट से आ रही है। अब वो हार्मफुल रेडिएशन क्या है? वो हार्मफुल रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब थोड़ा सा डाइवर्ट होके ना, मैं थोड़ा सा यूवी के बारे में आपको बताऊंगी। यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपकी 3 तरीके की होती है। पहली UVA, UVB and UVC. Yes, there are 3 types of ultraviolet radiations. UVA, UVB and UVC. अब ये तीनों नहीं अर्थ पर आती और ये तीनों ही ओजोन इस प्रोटेक्ट नहीं करता इन तीनों से। सबसे ज्यादा जो मोस्ट लीथल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो होती है आपकी अल्ट्रावायलेट सी। मैं आपको इसकी रेंज बताती हूँ। इसकी जो रेंज है वो होती है 200 से 400 नैनोमीटर, ठीक है? अब ये 200 से 400 इन तीनों के लिए आता है। तो सबसे पहली चीज, जो यूवीसी होता है वो 200 से 280 नैनोमीटर होती है, राइट? देन यूवीबी, यूवीबी की 280 से 320 नैनोमीटर होता है एंड यूवीए की 320 से 400। तो ये आपको रेंज पता है। अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ा है, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, उसका एक पार्ट लिया हुआ है। उसमें जैसे होता है एक्सरे, गामा रे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये जो एक रेंज होती है ना, इसमें जो यूवी होता है उसका 200 टू 400 होता है, उसके बाद विजिबल रेंज आती है 400 टू 700 एंड देन उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस आती है, जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस इसको बोलते हैं, ठीक है? तो अभी हम क्योंकि ओजोन लेयर की बात करें और ओजोन लेयर का जो मेजर रोल है वो यही है कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ पे आने से रोकता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाता है और एनिमल्स और प्लांट्स को भी बचाता है। तो यूवी के 3 पार्ट्स हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। अब जो मोस्ट लीथल होती है वो आपकी होती है यूवीसी, मोस्ट लीथल, एंड लीस्ट डेंजरस होती है यूवीए, ठीक है? तो ये चीज आप, एक और पॉइंट हो गया आपका एक्स्ट्रा। नाउ
बहुत, मतलब मैं बॉयज की बात नहीं कर रही, मुझे बॉयज का नहीं पता, लेकिन मुझे गर्ल्स और वुमेन का पता है कि हम लोग एक सनस्क्रीन यूज करते हैं, है ना। सनस्क्रीन बॉटल में आपने देखा है SPF फैक्टर होता है, हाँ, SPF 30+, 35+, 50+, क्या होता है। और हम जनरली जिसका SPF ज्यादा होता है हम लोग वही वाला सनस्क्रीन लेते हैं। क्यों? पहली चीज, SPF की फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्टिव फैक्टर। ये हमें सन की रेस से प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है ताकि टैनिंग ना हो। अभी बॉयज को वैसे पता है, आई नो ये सब चीजें, बट चलो ठीक है, गर्ल्स को ज्यादा पता है क्योंकि हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया आप डेली लाइफ में इस चीज के लिए क्या यूज करते हो। बट जो अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सनलाइट से आती है वो एक्चुअली में सिर्फ UVA होती है, अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशंस होती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 99%, यस 1% जो होती है वो हमारी अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस होती है जो अर्थ पर आती है, ठीक है। अब ओजोन लेयर का जो काम है वो यही है कि वो अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी को ब्लॉक करे अर्थ पर आने से। सो बेसिकली क्योंकि यूवीसी, प्रैक्टिकली यूवीसी कभी भी अर्थ पर रीच नहीं कर सकती, मोस्ट लीथल होती है ओजोन लेयर, उसी को ब्लॉक करता है। बट क्योंकि जब ओजोन लेयर में अगर उसकी थिकनेस कम होने लगे, जो आपने सुना है ओजोन डिप्लीशन, ओजोन होल, तब भी जो चांसेस होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अर्थ पर आने के वो यूवीबी के ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये चीज आप अपने ध्यान में रखना कि अल्ट्रावायलेट बी का सिर्फ 1% ही अर्थ पर आता है, और इन केस अगर ओजोन होल ज्यादा हो जाए, अभी तो खैर करंटली अगर स्टेटस की हम बात करें तो ओजोन दोबारा से उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ने लगी है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है जो आपकी बुक में नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम यूवीसी एंड यूवीबी। यूवीसी तो वो पूरा एब्जॉर्ब करता है, यूवीबी 99% एब्जॉर्ब करता है और 1% ही अर्थ पर रीच कर पाती है, ठीक है। और यूवीए जो होती है वो 99% अर्थ पर रीचेबल है, जिसके लिए हम लोग SPF यूज करते हैं, सनस्क्रीन यूज करते हैं, ठीक है। अभी कुछ और चीजें मुझे इसके बारे में बतानी है, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब मुझे ये बताना है कि ओजोन लेयर क्या है। देखो, ओजोन लेयर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आपको पता है कि इट इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, आप लिख लेना प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट, thus protecting living beings from many health hazards, for example skin cancer है, cataract है, then आपका destruction of plants है, इन सब चीजों से हमें protect करता है। और ये कहाँ present होता है? ये stratosphere layer में present होती है, जिसको हम good ozone बोलते हैं, और 90% ozone वहाँ पर lie करता है, only 10% troposphere में lie करता है, जिसको हम bad ozone बोलते हैं। यहाँ तक clear है? चलो, ये तो हो गई ozone layer की बात। अभी हम बात करते हैं ओजोन के फॉर्मेशन की बात, कि कैसे ओजोन लेयर बनती है, उसके बाद हम डिप्लीशन की बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, या अब मैं ये कह सकती हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनेगा तभी तो एक लेयर बनेगी ना पूरे अर्थ सरफेस के अराउंड में, ठीक है। तो देखो, पहला स्टेप, दो रिएक्शंस है इसमें इन्वॉल्व, तो दोनों रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि the high energy of ultraviolet radiation breaks down the ozone molecule into free oxygen atom. That means अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप सनलाइट भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करती है फ्री ऑक्सीजन एटम में। दैट मींस एक ओजोन रेडिकल ये हो गया, एक ओजोन रेडिकल ये हो गया। अभी रेडिकल्स क्या है, फ्री एटम क्या है, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो आपको पता है, ठीक है। दूसरा स्टेप, जब सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है फ्री ऑक्सीजन एटम में, उसके बाद ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम है ये फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और कंबाइन करके क्या बनाता है, ओजोन
मॉलिक्यूल। समझ में आया? ठीक है, दिस फ्री ऑक्सीजन एटम देन कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म दी ओजोन मॉलिक्यूल। इसी तरीके से आपकी ओजोन लेयर बनती है जब आपके ओजोन मॉलिक्यूल ज्यादा बनते हैं। ये तो था फॉर्मेशन। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, तो आपको ये दोनों रिएक्शंस तो डेफिनेटली देनी ही देनी है, चाहे आप स्टेटमेंट लिखिए या मत लिखिए, आपको कोई जरूरत नहीं है थियोरेटिकल उसको लिखने का। आप ये दोनों डेफिनेशन दे दीजिए, आपके मार्क्स खुल आएंगे, कहीं पर कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की, कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे हुआ। सबसे पहले आपको पता है कहाँ पे ये मेजर किया गया था, कहाँ पे ये डिस्कवर किया गया था कि ओजोन होल हो रहा है? कहाँ? एंटार्क्टिका, याद है ना? तो अभी ओजोन होल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखो, एक पर्टिकुलर थिकनेस होती है ओजोन लेयर की, अगर वो उससे कम होने लगे, थिन होने लगे, तब हम कहते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, या फिर उसकी जो थिकनेस है वो कम हो रही है, या फिर तीसरी चीज ओजोन होल के नाम से हम इसे जानते हैं। सो बेसिकली ओजोन होल जब हम डिफाइन करते हैं तो ऐसे डिफाइन करते हैं दैट इट डिफाइन एज एन एरिया इन विच, ये वैसे कभी भी पूछा नहीं जाता कि डेफिनेशन क्या है, इन विच ओजोन इज लेस देन 220 डीयू। अभी ये नई चीज आ गई कि डीयू क्या है और 220 क्या है। तो पहली चीज, जब हम ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करते हैं तो जो उसकी यूनिट है, वो यूनिट है हमारी, देखो ये भी एक्स्ट्रा है, बुक में नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, यूनिट है आपकी डॉब्सन। डॉब्सन यूनिट से हम मेजर करते हैं ओजोन को, और जो एवरेज डॉब्सन यूनिट होती है, या मैं कह लूं एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन होती है पोल्स पर, यहां पे लिख दू एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन एट द पोल्स इज 400 डीयू। अब डेफिनेशन को समझो, मैंने डेफिनेशन क्या लिखी, एरिया इन विच ओजोन इज लेस देन 220 डीयू, दैट मींस कहीं पर भी जब ओजोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस देन 220 डीयू आ जाए, डॉब्सन यूनिट आ जाए, वहां पे हम डिफाइन कर देते हैं कि ये ओजोन होल है। समझ में आ रहा है? थिकनेस पर ही डिपेंड करता है बच्चों कि ओजोन लेयर थिकनेस पर ही डिपेंड करता है बच्चों की ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर वो डिस्ट्रक्ट हो रही है। तो ये चीज आप याद रखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि डॉब्सन यूनिट क्या होती है, ओजोन होल की डेफिनेशन क्या होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जब हम डिप्लीशन की बात करते हैं, तो पहली चीज मैंने आपको बताई, जब हम डिप्लीशन की बात करते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, मैं स्पेस ले लेती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अभी हम डिप्लीशन की बात करते हैं, आपको ये पता है कि जब हम डिप्लीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले कहाँ पर मेजर हुआ था? एंटार्क्टिका पर देखा था, है ना? एंटार्क्टिका, स्पेलिंग सही लिख रही हूँ मैं? कौन से ईयर में था? 1985 में। यस, द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन ओवर एंटार्क्टिका वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985, जिसको नाम दिया गया ओजोन होल का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या क्या रीजंस है कि कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जिसमें ओजोन लेयर डिक्रीज होने लगी, या उसकी थिकनेस कम होने लगी, या वो डिप्लीट होने लगा? तो क्या है कि ये जो डिक्रीज है ये एक्चुअली में लिंक्ड है बहुत सारे केमिकल्स के साथ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ने लगी, आपके जो केमिकल्स हैं उनका यूसेज ज्यादा होने लगा, वो एक मेजर रीजन था डिप्लीशन का, ओजोन लेयर के डिप्लीशन का। और उसमें जो सबसे पहले आता है केमिकल, सिंथेटिक केमिकल, वो है हमारा CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें और भी बहुत सारे जितने भी, इनफैक्ट जो हलून्स होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये सब पढ़ोगे और उसके स्ट्रक्चर्स भी पढ़ोगे, तो CFC में भी बहुत सारे होते हैं बच्चों। CFC 11 होता है, CFC 12 होता है, और इन सब का एटॉमिक नंबर निकालना भी बहुत सिंपल है, तो आप लोग वो केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो CFC रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि इसका जो यूज था वो एक्सेसिव होने लगा था। फॉर एग्जाम्पल, CFC कहाँ कहाँ यूज होता है पता है? ये
रेफ्रिजरेटर में यूज होता है ना, एसी में यूज होता है, देन आपके एसीज में हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, एरोसोल्स होता है, तो ये सब जो है वो सीएफसी का ही कमाल है। सीएफसी का जैसे जैसे यूसेज बढ़ते जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब इसमें क्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है, इसमें कार्बन है, तो कार्बन और फ्लोरीन से ज्यादा जो इफेक्ट करता है ओजोन लेयर को वो है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, जो ओजोन है उसको O3 को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो इस तरीके से जितने ओजोन मॉलिक्यूल होंगे अगर वो ब्रेक होने लगेंगे वो आपस में बाइंड नहीं रहेंगे क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको तोड़ देता है और फर्दर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आ जाता है और ऑक्सीजन एटम में आ जाता है। तो यही काम क्लोरीन का होता है, यही रीजन है कि ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगी थी। अब इसको कैसे रोका जाए, है ना, ऑब्वियसली इतनी ज्यादा डिप्लीट हो रही है, ओजोन होल हो चुका है, तो जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस है वो इफेक्ट करेगी जो भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, राइट। तो इसको रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल आया, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट प्रोटोकॉल इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और अब तक का सबसे सक्सेसफुल और इफेक्टिव प्रोटोकॉल जो है वो यही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस रीजन से स्टार्ट किया गया, रीजन था प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, राइट। इंप्लीमेंट किया गया, इट इज इंप्लीमेंटेड कौन से ईयर में पता है किसी को, अगर पता है तो फटाफट से टाइप कर दो, 1987 में इम्प्लीमेंटेड किया गया। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए। अब अमेंडमेंट अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, अमेंडमेंट का मतलब होता है जितने भी लॉज होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जैसे वाटर एक्ट होता है, एयर एक्ट होता है, नॉइज एक्ट होता है, और जितने भी रूल्स बनते हैं उनमें या तो एडिशन या फिर कोई सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कोई चीज, कोई रूल को, कोई पॉइंट को डिलीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, या कोई फर्दर पॉइंट ऐड किया जाता है, तो उसको हम उसका जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक लॉ है एनवायरनमेंट का, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जो कि 1974 में बना था। अब अगर इस वाटर में, इस वाटर एक्ट में अगर कोई भी चीज ऐड हुई है तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, दैट अमेंडमेंट अमेंडेड इन दिस ईयर, अमेंडेड इन दिस ईयर। अब चाहे वो एडिशन हुआ हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हुआ है, उसके लिए हम अमेंडेड यूज करते हैं। तो अमेंडमेंट हुआ, या मैं ये कह लूं कि अमेंडेड इन, मैं हटा देती हूँ, अमेंडेड इन 1990 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, ठीक है। तो 1992 में क्या हुआ कि इसमें 140 नेशंस ने एग्रीमेंट साइन किया, और ये कह लो कि एग्री किया दैट वी विल ट्राई टू फेस आउट दी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिसको हम ODSB कहते हैं। ये सब एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रही हूँ, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इन सब्सटेंस को जो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है उनको हम फेस आउट करेंगे। तो उसमें कितने नेशंस इन्वॉल्व थे, उसमें 140 नेशंस इन्वॉल्व थे, उन्होंने उस चीज पर एग्री किया था, राइट। सो बेसिकली जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो था फेस आउट ऑफ CFC एंड अदर केमिकल्स, जो भी आपके जो भी केमिकल्स कह लो, सब्सटेंस कह लो, वो सारे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे उनको फेस आउट करने के लिए मॉनिट्रल प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया था। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ आपको इतना ही जानना है डिप्लीशन में कि डिप्लीशन क्यों हुआ, एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल दोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एग्जांपल के बाद अगर ये मार्क्स मतलब अगर ये 1 मार्क का है या 2 मार्क का है तब तो आप सिर्फ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में लिखना, अगर ये 3 मार्क्स का भी आता है तो आप उधर उस क्वेश्चन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हाईलाइट कर देना कि एक प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया था फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर टू फेस आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, इसमें एक और चीज और ऐड कर लो बच्चों कि जो प्रोटोकॉल सीएफसी प्रोडक्शन के लिए था तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो सीएफसी है उसको कट डाउन कर दो 5% तक, ठीक है।
by 1998, मतलब कि जो भी आप यूज कर रहे हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जितने भी नेशंस वहां पर थे, प्रेजेंट थे, जिसके भी रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर, उन सबको ये कहा गया कि एटलीस्ट आप 5% कट डाउन कर दो उसके यूसेज में 1998 तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहां पर रखा गया था। जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, तो आपको पता है ना कि कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब हम लोग नहीं, जो भी बड़े लोग हैं, जो भी नेशन को रिप्रेजेंटेट करते हैं वहां पर कोई भी कॉन्फ्रेंस में रिलेटेड टू एनवायरमेंट, तो वहां पर ये सब चीजें पॉइंट डिस्कस हुई थी। तो जो सजेशन निकल के आया था, जो सॉल्यूशन उनके आगे रखा गया था, वो ये था कि आप 5% यूसेज कम कर दो CFC का और अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का by 1998 तक, ताकि वो देखना चाहते थे कि क्या होगा, क्योंकि फर्दर आगे आई थिंक 2000 के टाइम पे 2010 के अराउंड उन्होंने उस लेवल को और बढ़ा दिया था, और तभी होपफुली करेंटली अभी जो ओजोन लेयर की जो कंडीशन है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू वो 90s में जो चल रही थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखनी है। ये हो गया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो फिलहाल यहाँ पर आपकी ओजोन लेयर के बारे में आपको पता है कि वो क्या करता है, फॉर्मेशन में आपको वो दोनों रिएक्शंस लिखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका थर्ड टॉपिक था इसी के अंदर कि ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन होल क्या है, तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब जो आपका एक टॉपिक बचा है वो है आपका गार्बेज डिस्पोजल। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको लिखवाती हूँ, मैं भूल गई आपको बताना, जब हम ओजोन लेयर की बात करते हैं ना, तो अगर 1% डिक्रीज आता है ओजोन लेयर के अंदर, then it will lead to 2% more ultraviolet B reaching earth। समझ रहे इस पॉइंट को? देखो समझो, अगर ओजोन लेयर में 1% भी डिक्रीज हुई हमारी ओजोन लेयर की थिकनेस, तो दैट मींस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है, जो बी अल्ट्रावायलेट बी है, वो अर्थ पर 2% ज्यादा पहुंचने लगेगी। पहले क्या थी? पहले सिर्फ 1% रीच करती थी, तो 2% और इसमें ऐड कर दो तो वो ऐड होकर 3% ऑलमोस्ट वो फिर अर्थ पर आने लगती है। ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं करनी है, और हमें ऐसी चीजों को यूज करना है जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ना हो। तो अभी जो रेफ्रिजरेटर और एसीज है, इन सब में आई थिंक दूसरे सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया है, अभी CFC नहीं यूज होता है, कोई और सब्सटेंस होगा, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता उस सब्सटेंस का, आप लोग गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, कौन सा? गार्बेज डिस्पोजल। ठीक है, अब जब हम गार्बेज डिस्पोजल की बात करते हैं, तो बच्चों आप सबको पता है कि आज के टाइम पे हर जगह इतना गार्बेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी एरिया, किसी सिटी, किसी स्टेट में चले जाइए, गार्बेज बहुत होता है ना। और ये जो गार्बेज होता है ये 3 तरीके का होता है। पहला, ये गैसेस की फॉर्म में भी हो सकता है, दूसरा ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, तीसरा ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है ना। अच्छा, गैसेस फॉर्म में क्या हो सकता है? जितने भी वेहिक्यूलर पॉल्यूशन होता है, ये कैसा होता है? ये गैसेस फॉर्म में तो होता है वेहिक्यूलर पॉल्यूशन, है ना, जो भी हमारे कार्स, पेट्रोल, ये सब से निकलता है, ये सब हमारा गैसेस फॉर्म में होता है, जो एयर पॉल्यूशन करता है, बेसिकली एयर पॉल्यूशन, राइट। सॉलिड में जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, पील होते हैं, ये सब चीजें हैं, है ना, जितना भी हमारा किचन में सब्सटेंस यूज होता है उसमें जितना भी हमारा वेस्ट निकलता है वो सारा सॉलिड वेस्ट में आता है। और जो लिक्विड है वो किस फॉर्म में आता है? सीवेज की फॉर्म में आता है। इफ्लुएंट्स जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, वो सारा लिक्विड वेस्ट होता है, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, 3 टाइप्स आपको पता होने चाहिए कि 3 टाइप्स का वेस्ट होता है। नाउ जब हम गार्बेज की बात करते हैं तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला वेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेस्ट, है ना। तो पहला है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल, राइट, ये सबने पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल है। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो 2 तरीके के वेस्ट हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको पूरा लिख दूं।
ग्रेडेबल। चलिए तो हम अगेन वही अंडरलाइन करते हैं और डिफरेंस की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं विच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच कैन बी इजिली ब्रोकन डाउन बाय विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। सो इट इज बेसिकली दो सब्सटेंस विच कैन बी easily decomposed by the action of microorganisms, by the action of microorganisms, right? अब इसमें examples आपको लिखने हैं। पहले हम non-biodegradable की definition लिख लेते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो non-biodegradable वो substance होते हैं which cannot be decomposed by the action of microorganisms। तो आप सीधा सीधा लिख दो cannot be decomposed। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आपको exam में पूरा लिखना है बच्चों, that those substance which cannot be decomposed by the action of microorganism। second point हम difference में लिख सकते हैं इनके examples। और तो यहां पर एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल का फ्रूट पील, वेजिटेबल्स पील, राइट, कॉटन, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, डंग, पेपर, ये सारे एग्जाम्पल आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के हैं जो कि इजिली डिकम्पोज हो सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। यहां पे नॉन बायोडिग्रेडेबल में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो प्लास्टिक है, पॉलिथिन बैग्स है ना, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल के। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी लिख सकते हो आप इसके अंदर। तो आप लोग देख लेना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेटल कैंस हैं, एल्यूमिनियम्स हैं, ये सारी चीजें आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती है, और पेस्टिसाइड्स भी एक्सेट्रा, राइट। तो ये है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, प्लस उनके एग्जाम्पल्स क्या है। नाउ ये तो हो गया कि कितने टाइप के वेस्ट होते हैं। देखो जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, देखो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिससे ये सारी चीजें डिकम्पोज होती है। बट क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर किसी सब्सटेंस को डिग्रेड नहीं कर सकते, हर एक सब्सटेंस के लिए वो एंजाइम रिलीज नहीं करते, इसलिए कुछ ही वेस्ट होते हैं जिनको वो डिग्रेड कर पाते हैं, इसलिए हमने उसको कैटेगराइज किया है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। इनफैक्ट आपने ये जो वेंडर्स होते हैं कूड़े उठाने वाले, उनको भी आपने देखा होगा ना कि अलग अलग करके डस्टबिन रखे होते हैं, ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन। तो वो कैटेगराइज क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया कि ग्रीन डस्टबिन में आप इसी एक ही तरीके का वेस्ट डालिए, ब्लू डस्टबिन में आप एक ही तरीके का, आई थिंक ग्रीन वाला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है और ब्लू वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो अभी हमने बात की टाइप्स ऑफ वेस्ट की, जो दो टाइप के होते हैं। अभी हमारे पास एक और टॉपिक बचा है, मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कैसे आप जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कर सकते हो, क्या क्या मेथड्स हैं। ऑल दो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे कट वो है, लैंडफिलिंग है, कंपोस्टिंग है, इंसिनरेशन है, बायोगैस प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, बहुत सारे हैं। तो आपके हम लोग एक काम करते हैं कि कुछ ही हम लोग लेते हैं, 5-6 मेथड्स ले लेते हैं, वो सफिशियंट हो गए। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा, तो उस 3 मार्क्स में एटलीस्ट आपके पास 5-6 मेथड्स आपको पता होने चाहिए। आप 1 मार्क में आ रहा है तो आप सारी चीजें ऐसे ही लिख दो कि लैंडफिलिंग है और कंपोस्टिंग है, इंसिनरेशन है, इंसिनरेशन में पता है ना बर्न करते हैं वेस्ट को, बट वो ज्यादा एयर पॉल्यूशन करता है, तो उसमें भी कुछ ही वेस्ट कैटेगराइज किए गए हैं कि इन्हीं वेस्ट को आप इंसिनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो द फर्स्ट मेथड यू कैन राइट इज बायोगैस प्लांट। ऐसा नहीं कि जो मैं लिखवा रही हूँ सिर्फ आप वही लिख सकते हो मेथड्स, आप और भी मेथड्स लिख सकते हो, बट मैंने आपको बताया कि मैं 5-6 आपको लिखवा देती हूँ सो दैट आपको एग्जाम में इजी हो जाए, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट में हम कौन सा वेस्ट यूज करते हैं, हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इन दिस प्लांट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड क्या करने के लिए, क्या होता है इसमें, टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होता है बायोगैस प्लांट में, बायोगैस एंड मेन्योर।
तो जो भी वेस्ट है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको बायोगैस और मैन्योर में कन्वर्ट करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। सेकेंड मेथड है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ STP, SAWTP भी आपने सुना होगा, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो ड्रेन वॉटर होता है लिक्विड वेस्ट, दैट द ड्रेन वॉटर कैन बी क्लीन्ड, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बिफोर एडिंग इट टू रिवर्स। आपको पता है ना कि जितनी भी ये सब जो वॉटर बॉडीज है हमारे इंडिया में वो कैसे पॉल्यूटेड होती है, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो सारा का सारा जो इफ्लुएंट होता है वो डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं कहाँ पर, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, इन सब वाटर बॉडीज में, तभी वो पॉल्यूटेड होती है। और इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक पूरा प्रॉपर रूल बनाया गया है कि आप इतने अमाउंट में ही इतना केमिकल रिलीज कर सकते हो वाटर बॉडीज में, या इतना इफ्लुएंट रिलीज कर सकते हो वाटर बॉडीज में। सो द नेक्स्ट थर्ड मेथड इज लैंडफिलिंग। अब लैंडफिलिंग भी आपको पता ही होगा फॉर श्योर, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो वेस्ट होता है वो लैंड के अंदर डिग किया जाता है, डाल दिया जाता है। सो द वेस्ट आर ब्यूरीड इन लो लाइंग एरियाज। तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है कि कौन से एरियाज में किया जाता है। एंड देन आर कॉम्पैक्टेड बाय रोलिंग विथ बुलडोजर्स। कभी देखा भी होगा आपने, आई थिंक कुछ बच्चे हो सकते हैं देखा भी होगा कि बुलडोजर से फिर उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो फोर्थ, हम थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, फोर्थ मेथड है हमारा, फोर्थ मेथड इज कंपोस्टिंग। एक मेथड है वेस्ट को डिस्पोज करने का, कंपोस्टिंग। यहाँ पर इस केस में ऑर्गेनिक वेस्ट यूज किया जाता है, दे आर फिल्ड इन अ कंपोस्ट पिट, दे आर फिल्ड इन अ कंपोस्ट पिट। उसके बाद क्या करते हैं, दे आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल, बहुत सारी वेस्ट डाला, वेस्ट के ऊपर बहुत सारी लेयर्स डाल देते हैं सॉइल की। और अगर आप देखोगे मतलब जहां पर भी कंपोस्टिंग होती है वहां पे 4-5 महीने के बाद जितना भी कंपोस्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर के अंदर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्गेनिक वेस्ट, दे आर फिल्ड इन अ कंपोस्ट पिट एंड आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल, ये आप लिख लो, चलो मैं लिख दे रही हूँ, एंड आर कवर्ड with a layer of soil and after about 4-5 months that garbage changes to manure, right? तो ये आप लिख सकते हो कंपोस्टिंग के अंदर। नाउ फिफ्थ मेथड इज रीसाइक्लिंग। आप वेस्ट को रीसाइक्लिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे जनरली रीसाइक्लिंग के केस में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रीसाइकल्ड टू मेक द न्यू आइटम्स, ठीक है। सिक्स्थ आप लिख सकते हो रिड्यूस, कि किस तरीके से आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। सेवेंथ लिख सकते हो रीयूज, कि आप कुछ वेस्ट को रीयूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो न्यूज़पेपर्स एक बार हमने पढ़ा और उसके बाद वो रद्दी में जाता है, तो उसमें आप बहुत सारे उसके एनवलप्स बना सकते हो, उसके उसको किसी भी चीज में यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं न्यूज़पेपर्स को यूज करने का। देन आप रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, ये तो हो गए हमारे 3 आवर्स पढ़े हैं ना, 3 आवर्स अभी हो चुके हैं 5 आवर्स, इनफैक्ट 5 आवर्स भी नहीं, अब तो 8 आवर भी आ चुका है, 7 आवर आया था उसके बाद 8 आवर आया था। तो 5 आवर में क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, देन रिकवर एंड देन रीफिल, ये आपके 5 जो है 5 आवर्स है, और 8 में भी और इंक्लूड हो गया है, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि 8 आवर्स में क्या क्या है, बट ये 5 तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल। तो आप 3 आवर्स भी मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल में आराम से दे सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम रीयूज की बात करें तो जितने भी हम लोग किचन का सामान लेने जाते हैं, जो भी हम राशन लेने जाते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, अपने मदर या फादर से, तो आजकल तो जो ग्लास की बॉटल्स मिलती हैं, जैसे पिकल है, पिकल ग्लास की बॉटल्स में मिलता है, तो आप अगर वो एक बार यूज हो गया है तो आप उसको फर्दर
वॉश करके दोबारा से किसी और आइटम को उसमें रखने के लिए यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इवन कुछ लोग प्लास्टिक्स की चीजें भी रीयूज करते हैं। आपने अपनी ज्वेलरी उसमें रख ली, कोई भी एसेसरीज आप उसमें रख सकते हो। तो इस तरीके से आप कैसे वेस्ट को रीयूज कर रहे हो, ये आपका अपना तरीका है, अपना एक इनोवेशन आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है कि कैसे आप वेस्ट को रिड्यूस कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो या रीसाइकिल कर रहे हो। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैंने देखा था जो सीबीएसई सैंपल पेपर 2020-21 में आया था, उसमें एक क्वेश्चन था जो रिलेटेड था डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद, लेकिन यही क्वेश्चन था कि हम, मैं आपको बताती हूँ कि पहले के टाइम में हम ट्रेन्स में प्लास्टिक कप्स यूज करते थे, उसके बाद कुल्हड़ पर आए और उसके बाद हम डिस्पोजेबल कप्स पर आए। तो रीजन देना था ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन के बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने दिया था। पहला हम क्या यूज करते थे, पहले यूज होते थे ट्रेन में प्लास्टिक कप्स, ठीक है, उसके बाद कुल्हड़ यूज होने लगे और उसके बाद पेपर कप्स यूज होने लगे, जिसको हम डिस्पोजेबल कप्स भी बोलते हैं। तो देखो बच्चों, प्लास्टिक कप्स जब हम यूज करते तो ये लार्ज अमाउंट में होता था, राइट, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता था। दूसरी चीज, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल था, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट के लिए कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जब डिग्रेड ही नहीं होगा तो फिर ये एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। तो तब क्या हुआ कि फिर स्विच किया गया कुल्हड़ पर, ठीक है। कुल्हड़ पर स्विच करने के बाद अब कुल्हड़ में क्या प्रॉब्लम आने लगी कि कुल्हड़ किससे बनते हैं, मिट्टी से, सॉइल से। तो जब कुल्हड़ का प्रोडक्शन होने लगा तो इसका जो इफेक्ट पड़ा वो ये था, लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल, जो कि एक अगेन एक अपने आप में एक हार्मफुल इफेक्ट है एनवायरनमेंट के लिए, बहुत बड़ा इफेक्ट दे रही है ये, ठीक है। तो इसलिए कुल्हड़ को भी छोड़ा गया और कुल्हड़ के बाद फिर हम आए स्विच किया पेपर कप्स पे। अब पेपर कप्स को यूज करने के फायदे क्या थे, पहली चीज ये डिग्रेडेबल है ना, डिस्पोजेबल है, इजिली डिग्रेड हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा, दे कैन ऑल्सो बी बर्नड डाउन, तो आप आराम से इसको जला सकते हो और इसका कोई एयर पॉल्यूशन ये नहीं करता है। तो ये दो मेन रीजन थे पेपर कप्स को यूज करने के लिए या डिस्पोजेबल कप्स को ट्रेन में यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन यही था कि क्यों स्विच किया हमने प्लास्टिक कप से कूलर पर और कूलर से हमने पेपर कप्स पर ट्रेन में, ठीक है। तो आप ये चीज, इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि प्लास्टिक कप्स नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, मिलियंस प्रोड्यूस होते थे, विच हार्म द एनवायरनमेंट। देन जब कूलर यूज होने लगा तो कूलर क्या करता था, इसका जो मेजर इफेक्ट हुआ वो फर्टाइल सॉइल पर हुआ, और उसके बाद जब हमने पेपर कप्स यूज करने शुरू किए तो वो हमारे लिए एडवांटेज था क्योंकि वो डिग्रेडेबल है, इजिली डिकम्पोज हो सकता है, दूसरा इजिली बर्न हो सकता है, राइट। तो यहाँ तक आपके इस चैप्टर में ये टॉपिक्स गिवन थे। आई थिंक मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। और मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये लास्ट सेशन सिलेबस के लिए है, आपका और मेरा मिलने का कोई लास्ट सेशन नहीं है। आपके बहुत सारी सेशंस में आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हम क्विजेस डिस्कस करेंगे, देन मैं आपको एक पूरा चैप्टर एक शॉर्ट में बताने के लिए ये भी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। शिट, मैंने एक सरप्राइज खोल दिया। एनीवेज, चलो ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते चले जाएंगे। बट अभी आपको क्या करना है, क्योंकि ये सिलेबस खत्म हो चुका है, तो बच्चों रिवीजन स्टार्ट कर दो बहुत जल्दी, एग्जाम बहुत दूर नहीं है, बहुत पास आ चुका है। सेकेंडली, आपके जो भी डाउट्स है आप किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज आप मेन कमेंट बॉक्स पे कर दो उसे कमेंट, ताकि मैं आपके डाउट्स देख सकूं और एग्जाम से पहले मैं जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और आज के जो सेशन है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की
क्विज का लिंक है, तो प्लीज आप उस क्विज को भी सॉल्व करिए ताकि आपको पता चले कि आपका कौन सा चैप्टर कितना प्रिपेयर हो चुका है। तो फटाफट से आप इस सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक ले लीजिएगा और लिंक से आप उस गूगल पर आप वो डॉक्यूमेंट जो भी आपके मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो आप उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी डिस्कशन करना होगा हम उसके लिए भी डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो आपको नोटिफाई हो जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं क्या सेशन लेकर आ रही हूँ और क्या चीज आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ। बट टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।